बस वो इसे मत पसंद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? मैम हम ठीक है, आप सुनाएं। मैम मुझे बात करनी थी, मुझे काफी टाइम से मेल नहीं आ रही लिंक की। बेटा लिंक की ईमेल मैं तो एलएमएस के थ्रू भेजती हूँ। एलएमएस के थ्रू मैं सबको सेंड करती हूँ। जितने बच्चे एलएमएस पे एनरोल्ड है उनको ईमेल जानी चाहिए। मैम मुझे नहीं आ रही। आप एलएमएस पे एनरोल्ड है नो मैम। तो बेटा फिर एलएमएस पे एनरोल्ड नहीं है तो ईमेल कहाँ से आए? मैं बता रही हूँ एलएमएस सब बच्चे अपना एलएमएस जो है वो चेक करें कि वो एनरोल्ड है। आप ऐसे करें कि मुझे एक ईमेल जनरेट कर दीजिएगा जिसमें आप मुझे बता दें कि आप एलएमएस पे एनरोल नहीं है, तो फिर मैं आपको एनरोल कर दूंगी। इस तरह से फिर आपको ईमेल आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आज वाली ईमेल मेरी रिसीव हुई है ओके मैम। जिसमें मैंने ये लिंक भेजा था और टाइमिंग का बताया था क्लास की? नो मैम, ग्रुप में बस आया हुआ था, ग्रुप से मुझे पता चला था कि आज इसका क्लास है। मतलब है कि आप उधर भी? यस अच्छा नहीं, मैम, हमें वो शो हुई थी, हमें मेल आई थी। ठीक मैम है बाकी जी, बच्चों को मतलब शौक ही है। बाकी बच्चों का क्या है? मैम मैम बाकी बाकी बच्चों को बच्चों को शौक हो गई रिसीव है। हुआ है। अच्छा ठीक है ना, बाकियों को रिसीव हो गया ना। वो तो जो कोई एक दो तो स्टूडेंट्स हैं जो कि एलएमएस पे एनरोल्ड नहीं है, बस उनको नहीं पता चली। यस मैम। ठीक हो गया। और आप बताएं, ठीक है आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। मैम हमारी मंडे से क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी या मतलब कैंपस में भी हुआ करेंगी? बच्चों अभी तो नहीं पता कि जो है हमें कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से नहीं दी गई। हमने जब ऑफिस से पता किया था तो हमें कहा गया था कि डायरेक्टर साहब इन्फॉर्म करेंगे, तो अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेट्स सी कि क्या पता चलता है। मैम लेकिन ना जो हमारा पोर्टल है ना, स्टूडेंट पोर्टल, उस पे जो शुरू दिन से ही ऑप्शन थी कि जो हमारा SCP 1 है वो होगा ही ऑनलाइन, वहां पे हाइब्रिड वगैरह नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में ना शुरू दिन से लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के टाइम से कि हाइब्रिड मोड बाकी सब्जेक्ट्स में, लेकिन SCP में हमेशा ऑनलाइन लिखा आ रहा था, तो मुझे लगता है शायद बेटा ऑनलाइन। SCP 2 या पेशेंट 1? सेफ्टी में लिखा हुआ था मैम। SCP 2 की बात कर रहे हैं मैम। अच्छा ठीक है, अब फिलहाल आपकी क्लास ऑनलाइन ही होगी ऑन ट्यूसडे। हाँ अंटिल के कोई और आप लोगों को कोई यहाँ तो ना, अंटिल के आप लोगों को कोई और ईमेल आती है, कोई और इन्फॉर्मेशन डिस्पर्स की जाती है, तो फिर देखेंगे कि क्या सीन होता है। मैम ऐसे जिसकी अभी तक कोई मेल जी बेटा, जिस तरह आप लोगों को नहीं आई इसी तरह हमें भी नहीं आई। हम भी वेट ही कर रहे हैं कि मंडे को क्या सीन होगा, हम क्या करने वाले मैम, हैं। लेकिन ये तो कितनी गलत बात है, बाकी सारे डिपार्टमेंट की वो कर देते हैं, हमारे दफा आके फिर हमें ऑनलाइन में लगा देते हैं। मैम ये लोग ना फिर संडे वाले दिन रात को बताएंगे, तो जिन बच्चों ने कहते आना होते हैं दूसरे शहर से, उनको तो पहले पता होना चाहिए ना ताकि वो आ सके। बच्चे अब बस फिर हर डिपार्टमेंट का
सब हर डिपार्टमेंट का अपना अपना होता है, क्या कर सकते हैं, तरीका है कार। हमारा तो एससीपी की बुक है उसके साथ लॉग बुक की बात कर रही हूँ, लॉग बुक के साथ परफॉर्मेंस अटैच है या हम लोग अलग से लेंगे? बेटा परफॉर्मेंस अटैच करेंगे, 5 परफॉर्मेंस अटैच होंगे। मेरे ख्याल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए मैंने। नो मैम, मैम जो आपने बुक भेजी है उसमें सिर्फ 2 है परफॉर्मेंस। चलिए बच्चे कोई मसला नहीं है, मैं परफॉर्मेंस एक दफा देख लूंगी, क्योंकि मुझे ईमेल में लहदा से भी कोई परफॉर्मा नाम की चीज आई थी, मैंने उसको इतना गौर से नहीं देखा, तो अगर आप लोगों को वो फॉरवर्ड करनी हुई तो मैं आप लोगों को वो फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। मैम हमने सिर्फ 5 करनी है ना? जी जी 5 परफॉर्मेंस, और आप यही जो आपके पास है ना क्या कहते हैं लॉग बुक, इसको प्रिंट कराएंगे और इसी को फिल करेंगे, जहां जहां जो जो चीजें मैंने कही उनको फिल कर ले, क्योंकि आप कहेंगे 1-2 और वीक से मैंने आप लोगों से लॉग बुक्स मांग लेनी है। ठीक है, कि आके मुझे सब, अगर मतलब आप ऑन कैंपस ही ऑनलाइन ही होती है कि आके कैंपस में सबमिट करवा दें। आपने कहा था मिड्स के बाद आप लेंगी लॉग बुक। बेटा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं लॉग बुक मिड्स के बाद लूंगी, ये किसने कह दिया आपको? मैम शुरू में आपने बोला था। नहीं बेटा मैंने ऐसी कोई, मैंने तो लॉग बुक के हवाले से फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट दी है कि मैं कब लूंगी, आज जब मैंने फाइनली बता दी है कि लॉग बुक किस तरह से आपने मतलब लेनी है, तो उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ी ही दिनों में ले लूंगी, क्योंकि मैं साथ साथ आप लोगों को चीजें फिल करने के लिए कह रही हूँ। ओके मैम, ठीक है। यस मैम, सही हो गया। चलिए बच्चे, स्टूडेंट्स हमारे पास काफी सारे आ ही गए हैं, बाकी ने आने ही जिन्होंने लेट होता है। लॉग बुक इज नॉट अवेलेबल ऑन स्टेशनरी, एन आंसर टू अ क्वेश्चन शेयर्ड इन द चैट। मैम जो हमारी लॉग बुक है अगर कैंपस में नहीं है तो हम उसको प्रिंट करवा ले। बच्चे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आपके साथ जो सॉफ्ट फॉर्म में शेयर की गई है लॉग बुक, उसका प्रिंट लेके उसको आपने फिल करना है। आप लोग मुझे बता रहे हैं कि उसमें 2 परफॉर्मर्स भी अटैच हैं, अभी मैं इसमें देख लेती हूँ, ये वही है जो मैंने ओपन की हुई है। ठीक है, तो ठीक है 2 परफॉर्मर्स अटैच है तो बाकी 3 करवा लीजिएगा और साथ। मैम मेल की है आपने सॉफ्ट कॉपी में जो भेजी है आपने? जी लॉग बुक मैंने आपको ईमेल की है, एलएमएस पे अपलोड है? नहीं नहीं एलएमएस पे अपलोड है। ओके मैम, मैम उसी पेजेस ग्रुप में भी भेज दी हुई है। मैम जो 2 परफॉर्मेंस अवेलेबल है उन्हीं को हम लोग 3 दफा और कर लेंगे ना प्रिंट, तो वो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है कि मुझे ईमेल में लेजर से भी कोई परफॉर्मेंस आए हुए हैं, तो मैं बस एक दफा वो ईमेल खोल के उस चीज को क्रॉस चेक कर लूं, अभी आपके लेक्चर की ड्यूरेशन में करके आप लोगों को बता दूंगी कि परफॉर्मेंस यही वाले हैं, ये वो लेजर से उन्होंने कुछ भेजा हुआ है मुझे। अच्छा, the two things we are going to study, the 2 vital signs. One is the temperature measurement and the other one is the respiratory rate measurement. What is the optimum body temperature? Average body temperature to whom we call? 37 degrees Celsius. और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो इसको कहा जाता है 96. कि, 98.4 या 98.6 part from where the temperature can be measured. Rectal measurement of the temperature is considered to be the most exact reading for temperature measurement. Oral method bachchon mein nahi kiya jata, rather badon ke liye oral jo hai method temperature measurement ko usko hum use karte hain, kyunki bacche jo hai wo usko chew bhi kar sakte hain, theek hai, ya engulf kar sakte hain thermometer ko. So jo zyada choti bachche hain unke liye jo hamare paas method aata hai टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए वो हम रेक्टल यूज करते हैं, ठीक है। तो रेक्टल के बाद हम एक्सिलरी मेथड भी यूज कर सकते हैं, और फिर लेटर ऑन जब एडल्ट्स होते हैं तो उसमें ओरल टेम्परेचर यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा कि जो हम रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते हैं वो यूजली जी
मैम ये इतना बड़ा थर्मामीटर तो नहीं बचा इनका कर सकता ना बेटा, वो अपने गले में मुंह में मार दो सकता है ना, उसकी कोई इंजरी तो हो सकती है ना, अगर इनगल्फ नहीं कर सकता, वो टूट के कोई हिस्सा तो उसके गले में जा सकता है ना मैम, ये टूटता नहीं है, डिजिटल है मैम, डिजिटल जो है वो ज्यादा बेहतर नहीं है अगर हम उसको यूज करें? मेरा डिजिटल बिल्कुल बेहतर नहीं है, मेरे पास डिजिटल है, वो पता नहीं कौन कौन सी मेजरमेंट देता रहता है, इतने तेज बुखार में भी 96 और 97 डिग्री फारेनहाइट शो कर रहा होता है टेम्परेचर। डिजिटल चाहे थर्मोमीटर है, डिजिटल चाहे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, दीज थिंग्स आर नॉट रिलायबल। हाँ ये जरूर हो सकता है कि जो मेरे पास डिजिटल आया वो पीस ही थोड़ा खराब आया, कि उसके बाद मैंने कहा कि मैंने डिजिटल बिल्कुल ही नहीं लेना, लेकिन वैसे भी ओवरऑल एक यूनिवर्सल ये इफेक्ट है कि डिजिटल जो है वो इतनी अच्छी मेजरमेंट्स नहीं होती मैम। लेकिन जो बाहर की जितनी भी कंट्रीज हैं वो डिजिटल यूज करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड भी यही करते हैं कि डिजिटल से आप लोग चेक करें। हो सकता है उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो कि उनके हाँ डिजिटल ही बड़ा सेट इन देता हो रीडिंग, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो डिजिटल थर्मोमीटर या जो आपके पास ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी इतनी ज्यादा नहीं क्या कहते हैं रिलायबिलिटी नहीं है। अच्छा okay. बात कर रही थी हम कि ओरल मेथड से अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको थर्मामीटर को टंग बिलो द अंडर द टंग प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर हम रेक्टम मेथड से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो हम थर्मामीटर को प्लेस करेंगे इनटू द रेक्टम, और अगर हम एक्सिलरी मेथड से कर रहे हैं तो फिर हम उसके एक्सिला में प्लेस करते हैं थर्मामीटर को, और बाजू को बिल्कुल बॉडी के साथ जो है वो प्लेस कर देते हैं ताकि थर्मामीटर जो है उसकी स्लिपेज का चांस ना हो वहां से। एक चीज और जो भी मैं बता रही थी वो ये थी कि रेक्टल रीडिंग्स हमारी मोस्ट रिलायबल है। रेक्टल एरिया से जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो यूजुअली क्या होता है, ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फारेनहाइट ज्यादा होता है, ठीक है। और जबकि जो ओरल टेम्परेचर हम लेते हैं वो एक्सिलरी से 1 डिग्री फारेनहाइट ज्यादा होता है। रेक्टल रीडिंग जो आई वो जो आपके पास ओरल रीडिंग आ रही थी उससे 1 फारेनहाइट ज्यादा थी। अगर आपके पास ओरल में आ रहा था टेम्परेचर 98 फारेनहाइट आ रहा था ओरल में, तो रेक्टल में आपके पास आएगा 99 फारेनहाइट, ठीक है। और अगर हम बात करें ओरल की मैम एक्सिलरी की, एक्सिलरी की सॉरी एक्सिलरी की करनी थी, और अगर हम बात करें एक्सिलरी की तो वो हमारे पास आएगी मैम 97, एक पॉइंट कम आएगा ना 97, एक पॉइंट कम आ जाएगा 97, क्योंकि एक्सिलरी ने एक पॉइंट ज्यादा होना है ना, कम होना है एक पॉइंट, ठीक है। जी मैं रेक्टल से मैम एक चीज समझ नहीं आई, रेक्टल ने ओरल से ज्यादा होना है और ओरल ने एक्सिलरी से कम होना है। एक मिनट इसको देखिए जरा, रेक्टल टेम्परेचर वुड बी 1 डिग्री हायर देन द ओरल टेम्परेचर, वेयर इज ओरल टेम्परेचर इज 1 डिग्री हायर देन द एक्सिलरी टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब है हाईएस्ट हमारे पास कौन सा आया, एक्सिलरी आया 98। अगर रेक्टल टेम्परेचर जो है अगर हमारे पास 98 है जो कि 1 डिग्री हायर था ओरल से, तो बेटा ये दोनों में पता क्या हो रहा है, तो मैम एक्यूरेट किसका होगा? बेटा एक्यूरेट रेक्टल है, सिंपल, बस आप सिंपल ये बात याद रखिए, बाकी सारी चीजों को छोड़ दें, सिर्फ इतना याद रखें कि रेक्टल आपके पास एक्यूरेट होता है। Okay, ma'am. So, इसका ये मतलब है कि 97 एक्सिलरी है तो 98 आपके पास ओरल होगा और 99 आपके पास रेक्टल होगा, क्योंकि जो रेक्टल है वो ओरल से 1 डिग्री हायर है और जो ओरल है वो एक्सिलरी से 1 डिग्री हायर है, ठीक है। ठीक हो गया, ये कंफ्यूजन तो क्लियर हुई ना, असेंडिंग ऑर्डर किस तरह हमारे पास फिर बना, सबसे हाईएस्ट रेक्टल में, उससे कम ओरल में और उससे कम एक्सिलरी में। हाउ विल यू टेक द टेम्परेचर यूजिंग अ डिजिटल थर्मोमीटर, वॉश योर हैंड्स,
with soap and warm water. Use a clean thermometer. अच्छा बच्चे एक चीज और याद रखें कि थर्मोमीटर की बड़ी जरूरी होती है हमारे पास क्लीनलीनेस. क्या मामा पास अच्छा हम क्या बात करते हैं कि टेम्परेचर की क्लीनलीनेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने एक ही टेम्परेचर एक जो थर्मोमीटर आपने एक पेशेंट के लिए यूज किया उसी तरह आपने उसको सेकंड पेशेंट के लिए यूज नहीं करना होता. आपने प्रॉपरली उसको सैनिटाइज करना होता है ठीक है. किसी भी जो आपके पास सॉल्यूशंस डिफरेंट अवेलेबल होते हैं उसके अंदर डिप कर देते हैं फॉर फ्यू मिनट्स. आप ये कहेंगे 1 to 2 मिनट्स के लिए ठीक है. और इस तरह फिर उसको क्लीन करके हम नेक्स्ट पेशेंट को यूज करते हैं. सो यूज अ क्लीन थर्मोमीटर. One that has been washed in cold water, cleaned with rubbing alcohol, and then rinse to remove the alcohol. अच्छा और important चीजें जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं during वाइवा ये जरा गौर कीजिएगा. Do not eat or drink anything for at least 5 minutes before you take your temperature. So temperature से 5 minutes पहले कुछ आपने ठंडा या गर्म ना खाया हो एक ये चीज. और दूसरी कोई strenuous activity करके ना individual आया हो ठीक है. क्योंकि strenuous activity की होगी तो उसमें भी टेम्परेचर बॉडी का हाई आएगा. प्लेस द थर्मोमीटर टिप अंडर द टंग. ओरल थर्मोमीटर है डिजिटल. होल्ड द थर्मोमीटर इन द स्पॉट. जी मैम जो थर्मोमीटर की आपने बात की ना कि हम उसको सॉल्यूशन में डालेंगे मैम खाली वार्म वाटर के साथ भी तो वॉश कर सकते हैं ना बेटा. वार्म वाटर के साथ भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा होता है कि कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो हमारे पास मैम. लेकिन घरों में तो ज्यादा वो अच्छी चीज़ बेटा घरों में कर लेते हैं ना वो एक बहन भाई ने यूज करना होता है. ऑल्दो कि उसमें भी सिंपल वाटर रेगुलर वाटर से भी वॉश किया जाता है. सो बेहतर ये होता है कि अगर थर्मोमीटर फैमिली में यूज होना है ना तो ऑरल फिर उसका ना लिया जाए रूट एक्सिलरी रूट से टेम्परेचर ले लिया जाए ताकि इस तरह का कोई इशू ना आए. अच्छा उसको आपने अबाउट 40 सेकंड्स अपनी टंग के नीचे होल्ड किया. उसके बाद क्या होता है कि आपके पास एक बीपिंग साउंड आती है ठीक है जिससे पता चल जाता है कि टेम्परेचर रिकॉर्ड हो गया. रीडिंग विल कंटिन्यू टू इंक्रीज एंड द डिग्री ऑफ फारेनहाइट सिंबल विल फ्लैश ड्यूरिंग मेजरमेंट. यू सी द थर्मोमीटर विल मेक अ बीपिंग नॉइज एंड द फाइनल रीडिंग इज डन यूजली इन अबाउट 30 सेकंड्स. इफ यू कीप ट्रैकिंग रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड द टाइम. रिंस द थर्मोमीटर इन कोल्ड वाटर क्लीन इट विद अल्कोहल एंड रिंस अगेन. सो बहुत ही सिंपल मेथड है ये. मुझे लगता है कि ये तो सबको ही आता है. अगर ब्लड प्रेशर मेजर करना नहीं आता तो टेम्परेचर मेजरमेंट तो सबको ही पता है ना. यस मैम. यस मैम. मैम ये तो डिजिटल का बताया हुआ है ना बेटा. दूसरे में भी ऐसे ही है. उसमें आपने सिंपल क्या करना उसमें बीप नहीं करना. उसमें आपने 2 to 3 मिनट्स के बाद थर्मोमीटर को माउथ से रिमूव करना है और उसकी रीडिंग पढ़ लेनी है आपने बस. जी बिल्कुल सिंपल मर्करी की आप देख लेते हैं कि भाई मर्करी. अच्छा कुछ में मर्करी होता है और कुछ में सिंपल एक पॉइंट शो हो रहा होता है. ऐसे थर्मोमीटर्स भी होते हैं मर्करी के अलावा सिंपल एक पॉइंट शो कर रहा होता है कि वो कहाँ तक ट्रेवल किया है. सो वो आपके पास सिंपल थर्मोमीटर हो गया. फिर यूजिंग डिजिटल एक्सिलरी थर्मोमीटर सेम मेथड है ठीक है. आर्म पिट में आपने एक्सिलरी में प्लेस करना होता है. आगे जी शुड आई एड अ डिग्री टू ओरल एंड द एक्सिलरी रीडिंग्स. यस फॉर द मोस्ट एक्यूरेसी रेक्टल टेम्परेचर्स आर कंसीडर्ड मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर रीडिंग्स आर अबाउट 0.5 to 1 degree Fahrenheit बिलो रेक्टल. सो एड दीज नंबर्स टू ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर रीडिंग फॉर द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग. आगे ये कुछ टाइप्स देखिएगा. डिफरेंट फीवर पैटर्न्स observed in plasmodium infection. ये कुछ फीवर के पैटर्न आते हैं जिसे हम कहते हैं जी क्विटिडियन फीवर या इनिशियल क्विटिडियन फीवर. उसको आगे से उन्होंने 3 टाइप्स में हमें बताया कि 3 में डिवाइडेड होती है. क्विटिडियन फीवर है, टर्शियन फीवर है और क्वार्टन फीवर है. अब ये जो नाम है ना इन नामों से हमें पता चल रहा है कि ये फीवर का क्या पैटर्न होगा ठीक है. अच्छा जी इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं ताकि जरा हमें क्लियर नजर आए. मेडिकल डायग्नोसिस में कहते हैं 3 टाइप्स के फीवर है. कॉन्टिन्यूस फीवर है, इंटरमिटेंट फीवर है और रेमिटेंट
फीवर है. कॉन्टिन्यूस फीवर एज द नेम इज टेलिंग अस द फीवर विल कंटिन्यू थ्रू आउट द टाइम. The temperature remains above normal throughout the day and does not fluctuate more than 1 degree centigrade in 24 hours. For example, lobar pneumonia, typhoid, meningitis, UTI or typhus. ठीक है? क्या हुआ? Continuous जितना वो increase एक दफा हुआ उतना ही increase रहा throughout the 24 hours. Intermittent fever where the temperature elevation is present only for a certain time, later cycling back to normal. Whereas remittent fever where the temperature remains above normal throughout the Remittent fever where the temperature remains above normal throughout the day and fluctuates more than 1 degree in 24 hours. अब क्या हुआ continuous और remittent fever में क्या difference आया? दोनों में 1 degree, more than 1 degree fluctuation थी. Sorry, continuous में सिर्फ 1 degree तक fluctuation थी. Remittent में more than 1 degree fluctuation थी. ठीक है, अगर सिर्फ 1 degree fluctuation है तो वो continuous है, अगर more than 1 degree है तो वो फिर remittent fever होता है. ठीक है, और intermittent में आपके पास क्या है कि सिर्फ कुछ time के लिए fever होता है, उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है. Among the types of intermittent fever are one specific to cases of the malaria caused by different pathogens. अब वो कहते हैं कि जो intermittent fever है जिसमें एक सर्टेन टाइम के लिए आता है और फिर बैक टू नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, उसकी हमारे पास थ्री डिफरेंट टाइप्स है. रिमिटेंट, सॉरी नॉट रिमिटेंट बल्कि इंटरमिटेंट फीवर, एक नाम मिलते जुलते हैं. उसको हम कहते हैं क्विटिडियन फीवर, टर्शियन और क्वार्टन फीवर. क्विटिडियन क्या है? विद 24 आवर पीरियडिसिटी. टर्शियन विद 48 आवर पीरियडिसिटी एंड क्वार्टन विद 72 आवर पीरियडिसिटी. ठीक है, उन्होंने डिफरेंट इसको मलेरिया के कॉजिंग एजेंट्स के साथ कर दिया कि क्विटिडियन प्लाज्मोडियम नेलेसी की वजह से है, टर्शियन प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम विवेक्स या ओवेल की वजह से है, और क्वार्टन जो है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से है. क्विटिडियन में क्या हुआ 24 आवर्स? जी बेटा, टाइम इंटरवल को कहा हुआ ना कि 24 आवर्स के बाद टेम्परेचर होगा फिर ठीक हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, मतलब एवरी 24 आवर्स एक टेम्परेचर की पीक आ रही होगी आपके पास. और मैम इसी तरह मैम ये जो ऊपर सेप्सिस क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर है उसके अंदर एग्जांपल्स में सेप्सिस और आगे साइटेशन नीडेड, मैम ये क्या है? ये आपके लिए नहीं है. साइटेशन नीडेड, साइटेशन का मतलब होता है रेफरेंस, कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हमने जो है वो पिक की है, उससे कहा जाता है कि साइटेशन नीडेड. तो साइटेशन देके बताएं कि यहाँ क्या है. सेप्सिस तो आपके पास इंफेक्शन है ना ब्लड में. मैम उन्होंने सेप्सिस किया मैम. मैम एक दफा आप पढ़ा दे पीने के, हमने क्वेश्चंस एंड पे कर लें प्लीज. अच्छा बच्चे ठीक है, कोई बात नहीं. तो हमने देखा क्विटिडियन फीवर था, टर्शियन था और क्वार्टन फीवर था. साथ साथ क्वेश्चन करने में ये होता है कि उसी वक्त जो है वो एम्बिग्युटी क्लियर हो जाती है, रादर देन इस तरह के एक दफा होता है कि कोई एक कंफ्यूजन आए ना तो वो फिर इंडिविजुअल उसको कैरी करता जाता है और आगे वाली बातें भी उसे समझ में नहीं आती. अच्छा मुझे अब ये बताएं कि ये फीवर तो क्लियर हो गया ना कि क्विटिडियन में 24 आवर्स का डिफरेंस आएगा, टर्शियन में 48 के बाद साइकिल रिपीट होगा और क्वार्टन में 72 आवर्स के बाद. जी बच्चे आगे चले, मूव करें हम. यस मैम. यस मैम. देखो जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट का जो एक हमारा हाफ पोर्शन था आज का, वो तो बहुत इजी था, सिंपल आप थर्मामीटर के साथ उसको मेजर कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. मैम जी मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इसमें जो 24 आवर्स का बताया हुआ है टाइम लिमिट, वो ये बताया हुआ है कि मलेरिया का जो फीवर है वो 24 आवर्स के बाद आएगा या मतलब 24 आवर्स तक रहेगा? नहीं बेटा, 24 आवर्स की पीरियडिसिटी के साथ आता है, जिसका मतलब है कि 24 आवर्स में 24 आवर्स के बाद आता है. ठीक है, कुछ देर हुआ फिर ठीक हो गया, जब 24 आवर्स उसको अकरेंस को गुजरे तो वो दोबारा आ जाता है. 24 आवर्स के लिए रहता नहीं है, 24 आवर्स के बाद आता है. यानी कि मैम अभी उसको मलेरिया के सिम्टम्स अभी शो नहीं हुए, अभी वैसे हुआ है लेकिन वो शो नहीं हो रहा. जी ऐसे ही है, फीवर आता है फिर ठीक हो जाता है फिर फीवर आ जाता है. ठीक हो गया? यस मैम.
लीजिए, मेरा मोबाइल आज नीचे गिरा था एंड आई विश कि स्क्रीन सेवर ही हो जिसको स्क्रैच आया है, वो थोड़ा सा टूट भी गया, मैंने नया लिया था, प्रोटेक्टर होगा आई होप, लेकिन अच्छा नहीं लगता प्रोटेक्टर पे भी स्क्रैच वो आया हुआ एक लाइन ब्रेकेज की। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट या फिर ब्रीदिंग रेट जिसे हम कहते हैं ना, रेस्पिरेटरी रेट सिंपल रेस्पिरेशन आपको क्या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, रेस्पिरेटरी या फिर ब्रीदिंग रेट अगर हम देखें तो हमारे पास वो 12 टू 20 ब्रेथ पर मिनट आता है, 16 टू 20 ब्रेथ वैसे यूजली कहा जाता है, 16 टू 20 भी कहा जाता है, रेंज एक दी जाती है ना। इसको मेजर करने का तरीका क्या है, ठीक है, एक जिसका मेथड है हमारे पास वो ये होता है कि इंडिविजुअल बैठा हुआ या लेटा हुआ है और हम इसकी एब्डोमिनो थ्रेसिक मूवमेंट को नोट करते हैं, ठीक है, कितनी दफा वो अप आया या डाउन गया उसको काउंट कर लेते हैं राइज एंड फॉल को, और वो हमारे पास एक जो है वो ब्रीदिंग रेट आ जाता है, ठीक है। इनहेलेशन के लिए आपने क्या किया, जब चेस्ट उसकी राइज करती है तो इनहेल, जब उसकी चेस्ट फॉल करती है तो एक्सहेल हो गया। यूजुअली रेस्पिरेटरी रेट है वो 1 मिनट के लिए काउंट किया जाता है, टाइम से भी किया जाता है कि 30 सेकंड के लिए काउंट करके उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया या 15 सेकंड के लिए काउंट करके मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जब आपने रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग रेट काउंट करना है तो वो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, जैसे पहले हमने बात की थी टेम्परेचर के केस में हमने क्या कहा, उससे कुछ कोल्ड या हॉट कोई चीज ना इनटेक की हो, और साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि वो कुछ स्ट्रेनुअस एक्टिविटी के बाद ना वापस आ रहा हो। इसी तरह रेस्पिरेटरी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, मैम बोल ही नहीं रही, बेटे को दवाई ले जाओ गर्मी से, वो वैसे मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा आ गई अब आवाज? जी मैम आ गई, ठीक हो गया। हम क्या बात करती, अच्छा वो तो चला ही गया मैम, स्क्रीन भी नहीं, स्क्रीन में करती हूँ दोबारा वो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, पैनिक अटैक से बातें हैं तो उसमें जो ब्रीदिंग है वो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा आ रही आवाज? यस मैम अब आई है, ठीक हो गया। मैं बता रही हूँ कि जब एंजाइटी में होते हैं पैनिक अटैक्स आते हैं उसमें भी रेस्पिरेटरी रेट हाई हो जाता है, वंस द एंजाइटी पासेस अवे द रेस्पिरेटरी रेट बिकम्स नॉर्मल, यानी कि जब कोई टेंशन होती है तो उसमें रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है। फिर टेम्परेचर हो, जब बॉडी टेम्परेचर राइज करता है तो उसमें भी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाती है क्योंकि बॉडी में हीट होती है तो बॉडी ट्राई करती है कि इस एक्स्ट्रा हीट को किसी तरह से जो है वो इससे जो है वो एग्जिट करवाया जाए बॉडी से, ठीक है, तो उसमें भी रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है। फिर कुछ जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं लाइक अस्थमा, निमोनिया, सीओपीडी, उनमें भी रेस्पिरेटरी रेट आपके पास इंक्रीज हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रेस्ड ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग लेना सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है, सो रेट ज्यादा हो गया। हम कोशिश करें कि हमें ऑक्सीजन प्रॉपर डिलीवर हो जाए। हीट प्रॉब्लम्स इफ द हार्ट डजंट पंप प्रॉपरली टू गेट ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स। मैम आवाज नहीं,
बेटा पहले आवाज आ रही थी ना? आ रही है मैम, आ रही है आवाज, ठीक आ रही है मैम। 5 मिनट वेट कर ले, अजान हो रही है। ठीक है बेटा वेट कर लेते, मुझे आवाज नहीं आई। अजान हो रही है, अभी अभी नमाज ब्रेक ना लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा लेक्चर रह गया, मैं चाहती हूं कि इसको कंप्लीट करके मैं एक ही दफा ब्रेक दे दूंगी, ठीक है? ओके मैम, ओके। अजान बस हो ले, अजान के लिए 2-4 मिनट की ब्रेक लेते हैं। जी मैम हो गई है अजान। जी बच्चों
आई एम बैक. हम बात करते हैं कॉजेज फॉर द इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जिसमें हमने बात की कि किसी एक्सरसाइज के बाद रेट हाई हो सकता है, फीवर के बाद रेट हाई हो सकता है, किसी रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो है वो रेट हाई हो सकता है, किसी हार्ट प्रॉब्लम में रेट हाई हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन में भी रेट हाई हो सकता है. क्यों? क्योंकि बॉडी जो है डिहाइड्रेशन के लिए इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, एज द बॉडी ट्राइज टू गेट एनर्जी टू द सेल्फ. ठीक है, एनर्जी नहीं है, पानी नहीं है, जिस वजह से बहुत सारी रिएक्शंस बॉडी में नहीं अकर कर रहे. तो ये डिफरेंट रीजंस हैं जो आपके माइंड में आ सकती हैं अगर किसी के इंडिविजुअल के रेस्पिरेटरी हाई आ रहा है. कॉजेज ऑफ लो रेस्पिरेटरी इंक्लूड ड्रग ओवरडोज, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हेड इंजरी. सो ड्रग ओवरडोज अगर हो जाए, कोई ड्रग थी जिसका driving leading to the low respiratory rate. Same, sleep apnea involves a blockage of the airway due to relaxation of the soft tissue in the throat, thereby causing blockage or brief pauses in breathing. Head injuries can affect the brain that plays a role in breathing, which may cause low respiration. हमारा जो आज का लेक्चर था उसमें हमने कौन से दो टॉपिक्स देखे. एक हमने देखा कि रेस्पिरेटरी रेट कैसे मेजर करना है, और एक हमने देखा कि हमने टेम्परेचर कैसे मेजर करना है. अब आज मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ पिछले लेक्चर के हवाले से. पिछले लेक्चर में हमने ब्लड प्रेशर मेजर करने की बात की थी. अब आप वेट करें, मैं आपको वीडियोज आपके साथ शेयर करती हूँ. बच्चों मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको स्क्रीन में वीडियो नजर आ रही थी या नहीं? यस मैम, आ रही थी. ऑडियो नहीं आ रही मैम. अच्छा ठीक है, ऑडियो कैसे आएगी बच्चे? वीडियो की ऑडियो कैसे आएगी मैम? शेयर का बटन होगा उधर, ऑडियो को ऑन ऑफ करने वाला है. इधर साइड पे बॉक्स सा छोटा सा बना होगा स्क्रीन पे. अच्छा मम्मा जानना होगा, एक मिनट बाद थोड़ी सी क्लास रहेगी. इशा मैम इसकी आवाज नहीं आ रही ऑडियो में. ओ काउंट द पैनल मैम, ये शेयर ऑडियो को इसको आ रही है मैम. है बच्चे सामने स्क्रीन पर रिटर्न आ रहा है, वो पढ़ लें. ओके मैम. मैम आप साथ साथ हमें बताती भी जाएं.
बेचे ये वाल्व होता है, इसको आपने चेक करना होगा, ये ओपन या क्लोज, तो क्लोज होना चाहिए, क्लोज होगा तो एयरक्राफ्ट के अंदर हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। वाइल फिलिंग द प्रेशर हम इसको क्लोज रखते हैं, ठीक है, जब हमने रिलीज करना होता है तो फिर हम इसको ओपन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर फॉल करता जाता है। तो ये स्टेथोस्कोप है, इसकी जो ईयर्स है ना, ईयर पीस है, ये फॉरवर्ड फेस कर रहे हैं, इसकी बेल को भी कंफर्म कर लेगी कौन सी साइड इसकी काम कर रही है, क्योंकि ये तो पता है ना, दो साइड है इसकी, जो स्मॉल साइड है वो यूजली हम हार्ट में या फिर फॉर फीट यूज होती है। मैम इसकी ये स्मॉल बिग साइड का बता दें दोबारा, किसका बटन ऑन करूं मैम? इसकी ये जो आगे से स्मॉलर बिग साइज का बताया ना स्टेथोस्कोप का, वो बता दे। आई डोंट नो, ये बैक ही नहीं हो रही वीडियो में, आप लोगों से बात करना चाह रही थी। बच्चों आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। मुझे एक बात बताएं, अगर वीडियो की आवाज नहीं आ रही थी उसके सबटाइटल्स मैंने ऑन किए हैं, आप उन सबटाइटल्स को पढ़ते जाएं साथ साथ कि वो क्या बोल रहा है कोई इशू इसमें? जी बच्चे बोले। मैम आप वीडियो का लिंक सेंड कर दें। यस मैम लिंक सेंड कर दें, हम खुद देख लेंगे। जी बच्चों आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि मैं आपको लिंक सेंड कर दूं, आप लोग वीडियोस खुद ही देख लेंगे। जी मैम। यस मैम। चलें ठीक है बच्चे, पता नहीं मैंने तो सबटाइटल्स को ऑन किए थे ताकि अगर आप लोग उसकी ऑडियो नहीं आ रही तो आप लोग सबटाइटल्स से उसको देख लें कि वो क्या कर रहा है इस टाइम ना। लिंक मैं आपको भेज दूंगी, इसी तरह वन बाय वन जितनी भी हमने चीजें की हैं उनकी वीडियोज मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, ताकि आप लोग ये ना कहें कि हमें प्रैक्टिकली तो पता ही नहीं है कि क्या है, कैंपस ऑन कैंपस कुछ होता है तो फिर वो तब की बात है। और ठीक है बच्चे, फिर आज का लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं, अब आप लोग जाएं और नमाज पढ़ें अपनी, ठीक है मैम? जी मैम, वो जो आपने स्टेथोस्कोप का बताया था कि उसका जो बिग पीस है और स्मॉल पीस है वो हम लोग यूज करते हैं एक हार्ट के लिए, वो मैम वो जरा दोबारा रिपीट कर दें, उस वक्त मेरा डिस्कनेक्ट हो। स्मॉल वाला है वो यूजली हार्ट की कंडीशंस में यूज हो रहा होता है, या फिर बच्चों छोटे बच्चों के लिए भी वो यूज उसको करते हैं टाइम स्मॉल वाले को, ज्यादातर हार्ट के लिए यूज होता है। और मैम वो जो बड़े वाला वो हर चीज के लिए? हाँ वो जनरली बाकी जहाँ की ऑस्कल्टेशन वगैरह कर रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम, अलाउ पेज। अलाउ पेज मैम। Allah Hafiz, Allah Hafiz, Allah Hafiz, Allah Hafiz.